गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सेकंड यूनिट फोर्थ पोयम मैजिक सीड। इन दिस पोयम वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द सीड ग्रो इनटू द प्लांट एंड देन I found a tiny little seed and planted it outside. Almost at once it started to grow up tall and wide. I found a tiny little seed and planted it outside. Almost at once it started to grow up tall and wide. It sprouted leaves from everywhere and soon became quite big. It sprouted leaves from everywhere and soon become quite big. I am not sure what it is, an apple, peas or fig. I am not sure what it is, an apple, peas or fig. No matter how it turns out, I know that it will be. No matter how it turns out, I know that it will be my own completely special something or other tree. My own completely special something or other tree. See first stanza. I found a tiny little seed and I planted it outside. देखो poet क्या कहते हैं। I found means उन्हें मिलती है, poet को मिलती है, क्या मिलती है उन अ टाइनी लिटिल सीड, एक छोटा सा बीज, एंड प्लांटेड इट आउटसाइड, और पोएट ने उसे कहाँ बो दिया, बाहर, बाहरी भाग हिस्से में उसको बो दिया यानी प्लांटेड किया। ऑलमोस्ट एट वंस स्टार्टेड टू ग्रो अप टॉल एंड वाइड, और उस वो सीड बढ़ना धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हुई। इट स्टार्टेड ग्रो अप मीन्स वो बढ़ना शुरू हो गई। इट स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड सून बिकेम क्वाइट बिग। देखो वो बढ़ना शुरू हो गई। इट्स स्प्राउटेड लीव्स, उसको छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हो गए, उसे चारों ओर से, एवरीवेयर मीन्स सर्व, चारों ओर से उसे पत्ते आना शुरू हो गया है। एंड सून बिकम क्वाइट बिग, और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट एट, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज एट, एप्पल पीज और फी। अभी तक मैं मीन्स मुझे पता नहीं है वो कौन सा प्लांट है। आई एम नॉट श्योर मुझे वो कौन सा बीज है, कौन से पेड़ का बीज है, अभी तक मुझे ये पता नहीं है वो एप्पल है, पीज है या फिर अंजीर है, फिग यानी अंजीर है, ये अभी तक मुझे पता नहीं है। नो मैटर हाउ इट इज़ टर्न आउट, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आगे जाकर क्या बनेगा या आगे जाकर क्या होगा, ये कौन सा ट्री होगा। आई नो दैट इट विल बी माई ओन कम्प्लीटली स्पेशल, लेकिन मुझे पता है ये बीज मैंने बोया है तो ये यानी ट्री भी कुछ स्पेशल होगा, सच मीन्स ये कुछ स्पेशल होगा, समथिंग और अदर ट्री, कोई ना कोई ये ट्री। कुछ हार्ड वर्ड्स मैं बताने जा रही हूँ ये पोएम के, मैजिक, एम ए जी आई सी, मैजिक, मैजिक यानी जादू। सीड, सेकंड वर्ड क्या है, सीड, एस डबल ई डी, सीड यानी बीज। फाउंड, एफ ओ यू एन डी, फाउंड, फाउंड यानी मिलना। स्प्राउटेड, एस पी आर ओ यू टी ई डी, स्प्राउटेड, स्प्राउटेड यानी उगना। पी एल ए एन टी ई डी, प्लांटेड, प्लांटेड यानी बोना। जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो, ग्रो यानी बड़ा होना। एल ई ए वी ई एस, लीव्स, लीव्स यानी पत्ते। आउटसाइड, ओ यू टी एस आई डी ई, आउटसाइड। पीज, पी ई ए यस, पीज यानी फल्ली। एफ आई जी एस, फिग्स, फिग्स यानी अंजीर। एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल, स्पेशल, कुछ स्पेशल बोलते हैं ना हम, हाँ। एवरीवेयर, ई वी ई आर वाई, डब्ल्यू एच ई आर ई, एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी चारों ओर, और स्पेशल यानी खास।